हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिल्पास फूड कोर्ट। काफी क्रिस्प सा साउंड आया ना आपको सुनाई, तो चलिए आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही चटपटे और टेस्टी बटर गार्लिक पोटैटो वेजेस। ये इतने ज्यादा टेस्टी लगते हैं कि एक बार एक शाम की कॉफी के साथ ये टेस्टी वेजेस तो बनाना जरूर बनता है। कलर और टेक्सचर एकदम होटल जैसा परफेक्ट आएगा। सिर्फ थोड़े से जो टिप्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ऐसे मैंने मीडियम साइज के आलू लिए हैं जिन्हें बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और उसका छिलका जो है आपको पील ऑफ कर लेना है। तो ये आलू हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब देखिए इन्हें कैसे कट करना है। आपको सेंटर से सबसे पहले आपको आलू को दो पीसेस में कट करना है और उसके बाद में फिर इन्हें कट लगाते जाना है और फिर से ऐसे घुमाते हुए आपको कट लगाना है ताकि आपको इसके बड़े बड़े पीसेस मिले और जो एजेस हैं वो अच्छे से एकदम शार्प मिले। तो सारे आलू आपको इसी तरीके से कट कर लेने हैं। तो ये देखिए मैंने सारे आलूओं को कट कर लिया है और अब हम इन्हें डिप कर देंगे बिल्कुल ठंडे पानी में। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में एकदम चिल्ड पानी लिया है और उसमें इन्हें भिगो के हमें एक घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि जितना भी एक्सेस स्टार्च है इनमें वो सारा का सारा रिमूव हो जाए। आगे बैटर तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैदा, तो मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच मैदा लिया है। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे चावल का आटा। चावल का आटा ऐड करने से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे आपके वेजेस। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर, तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ले लिया है। आगे इसमें ऐड कर देंगे हम चिली फ्लेक्स, तो यहाँ पे 1.5 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स ऐड की है, ये तीखी नहीं है बिल्कुल। और 1 चम्मच ऐड किया है ओरिगेनो और थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है क्योंकि आलू को बॉईल करते समय भी हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो आपको सॉल्ट का ध्यान रखना है। तो इससे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें एक स्मूथ सा बैटर बना लेना है। बैटर बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे पानी आपको ऐड करना है और इस तरीके का एक बैटर बना के रेडी करना है। मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ, मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था। तो ये देखिए ये एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें मिल गई है। आगे मैंने एक बर्तन में पानी रखा है, गैस ऑन नहीं है, गैस बंद है इस मोमेंट पे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक ताकि आलू फीके फीके ना रहे अंदर से, और जो आलू हमने डिप करके रखे थे ठंडे पानी में उन्हें निकाल कर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, पानी बॉईल करके आलू कभी नहीं ऐड करने हैं, ठंडे पानी में ही आप पहले आलू को डालें। अब इस मोमेंट पे मैं गैस ऑन कर रही हूँ ताकि जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर राइज होगा वैसे वैसे ही आलू हमारे बॉईल होने चाहिए। इसे हम ढक देते हैं और 60% ही खाली हमें इसे कुक करना है। तो मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स में ये देखिए ऐसा पूरा बॉयल अप हो जाएगा। एक बार इसे बहुत हल्के हाथों से चला दें, आलू जो हैं वो टूटने नहीं चाहिए। एक फोक या फिर नाइफ आप प्रिक करके देखें। तो ये देखिए ये हमारा जो है 60% बॉयल हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें एक प्लेट पे रख देंगे हम निकाल कर, और ताकि ये पूरी तरीके से अच्छे से ठंडे हो जाएं। ठंडे होने पर ही इसे हम बैटर में डिप करेंगे। तो आलू अभी ठंडे हो चुके हैं और मैं इन्हें बैटर में डिप कर रही हूँ। तो केयरफुली ऐसे आप एक एक करके इन्हें डिप करें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर के साथ में, ताकि जो पूरा बैटर है और जो मसाले हैं वो इसमें अच्छे से कोट हो जाए और आलू जो है उसमें अपना एक फ्लेवर डेवलप हो जाएगा। तो ये देखिए ये अच्छे से कोट हो गए हैं पूरी तरीके से। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। उसके पहले हम बटर का मिक्सचर बनाते हैं। तो एक पैन को मैंने गरम किया है हल्का सा और उसमें एक स्लाइस बटर का ऐड किया है। बटर ज़्यादा या कम ये ऑप्शनल है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और थोड़ा कम बटर लेना है तो आप कम भी ले सकते हैं। और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ क्रश किया हुआ गार्लिक। 10 से 15 गार्लिक को मैंने अच्छे से कूट लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम आप बंद कर दें। आप चाहें तो 20 सेकंड्स के लिए इस प्रोसेस को माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। आगे ऑयल गरम है अच्छे से और इसमें हम ऐड करते जाएंगे हमारे जो आलू है कोटेड। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, आलू ऑलरेडी 60% कुक्ड हैं तो ये बहुत जल्दी हो जाएंगे, इसमें बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा।
तो इस तरीके से आपको हिलाते जाना है इसे और अलट पलट करते हुए तल लेना है। तो फटाफट से होता है ये प्रोसेस, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो ये देखिए सारे के सारे वेजेस मैंने इसी तरीके से तल लिए हैं, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं ये टेक्सचर में। गार्लिक वाला जो मिक्सचर था बटर के साथ में, वो मैंने इसमें ऐड किया है। फिर से हल्का सा टॉस कर लेंगे ताकि जो पूरी बटर और गार्लिक है वो आलूओं में अच्छे से पूरी मिंगल हो जाए। ऊपर से ऐड कर देंगे बहुत बढ़िया सा फ्रेश हरा धनिया, इससे जो है फ्रेग्रेंस और टेक्सचर दोनों भी बहुत परफेक्ट आ जाता है। और ऐसे टॉस करते हुए हम इसे मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा स्टिर नहीं करना है, जो वेजेस हैं वो टूटने नहीं चाहिए। तो ये देखिए गर्मा गर्म पोटैटो वेजेस हमारे बिल्कुल बनके रेडी हैं। आप बढ़िया सी चाय के साथ में इसे इवनिंग स्नैक के टाइप में बनाकर खाएं, बच्चों को ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार बनाकर ट्राई करें, आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक खाते पीते रहें, बाय बाय।